उसके साथ यहाँ पे 26 अहमद राज के टू आईसी साहब, उसके साथ डिप्टी सीईओ साहब, डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब और यहाँ के जितनी आवाम सागरा दबराज की, हम आज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सबने अपने सहयोग से अपने इकट्ठे होके यहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम की रौनक को दोबारा किया। ए जानी जान के मैनू परदेस चल गए, ए जानी जान के मैनू परदेस चल गए, हो गए देखिए, जो सिविल और आर्मी के बीच में एक तालमेल होता है और जब इस किस्म के कार्यक्रम किए जाते हैं तो उससे तालमेल और बढ़ता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल एलओसी से सटे गांव में एक बड़ा इवेंट जो है वो किया जा रहा है और सद्भावना के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये जो 26 मद्रास हैं, इसके ऑल रैंक्स हैं जो, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और जहाँ के जो गांव के लोग हैं, चाहे वो सागरा के लोग हैं, बलनोई के लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं और जितने भी जहाँ आर्टिस्ट आए हुए हैं जो आज एक कल्चरल बोनंजा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के कार्यक्रम जब भी होते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। मेन मकसद होता है कि हमारे समाज में एक दिशा प्रदान करना, अगर कहीं कोई नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना। यकीनन इस किस्म के जो कार्यक्रम होते हैं समाज में एक माहौल बनाते हैं, एक पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं और जो पॉजिटिविटी होती है वो एक शिथर समाज के लिए हमेशा जो है शुभ बात होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इस किस्म के कार्यक्रम हो रहे हैं इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इस बॉर्डर एरिया में और आने वाले टाइम में इस किस्म के और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट के दूसरे इलाके हैं वहाँ भी इस किस्म के जो सिविल और आर्मी के बीच में तालमेल है वो देखने को मिलेगा और एक अच्छा माहौल जो है वो बना रहेगा और इसमें बेटरमेंट आएगी।